जेकेपी एसआई की कल एडवर्टीजमेंट जो है वो निकाली गई है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये जो फॉर्म है ये फिल होने जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ की अगर 10 की बात करें तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि कई सारे जो ऐसे एस्पिरेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन हमें दी जाए, चाहे वन टाइम एज रिलैक्सेशन के तौर पर ही हमें जो है वो एंटरटेन किया जाए, क्योंकि पीछे एक जो लंबा गैप रहा हुआ है इन एडवर्टीजमेंट्स के बीच में, उसकी वजह से हम लोग ओवरएज हो गए हैं। फिलहाल ये कुछ एस्पिरेंट्स हैं और चेहरे तो इनके मायूस हैं, और इससे पहले भी कई दफ़ा हमने बात की है और कई दफ़ा इनकी भी ये कोशिशें रही हैं कि किसी तरह से एज रिलैक्सेशन हमें मिले सो डैट हम सर्व कर पाएँ, एग्ज़ाम क्रैक करें और आगे सर्व कर पाएँ। आज ये लोग यहाँ दविंदर सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी के लीडर के घर के बाहर जब जम्मू परिवर्तन की टीम ने इनको देखा तो हम रुके और इनका जो इशू है हायर अथॉरिटी तक जाए, यही हमारी कोशिश है। गगन है हमारे साथ यहाँ पर। गगन, आपसे पहले भी बात हुई थी जब ये पोस्ट 800 पोस्ट कल निकाली गई है, पाइपलाइन में थी, तब भी एज रिलैक्सेशन की डिमांड की जा रही थी और आज भी एज रिलैक्सेशन की डिमांड की जा रही है, क्या आप कहेंगे? क्योंकि एक लंबा जो एक टाइम गैप रहा है उसके बीच में आप सब लोग ओवर एज हो गए हैं, तो ये कितना बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है? सर, सबसे पहले कि जैसे आपको पता है कि पिछले हम 3-3.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप भी हमें कवर कर रहे हैं, तो उस दौरान हम बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हायर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हम मिले थे, तो हमें काफ़ी एक पॉजिटिव रिस्पांस आया था कि आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। वहाँ हमने केएस का पीएससी का भी रखा था और दूसरा हमने ये जेके बैंक का भी मैटर रखा था, तो हमें बोला गया था कि आप टेंशन ना लीजिए, आप फ्री होके घर में तैयारी कीजिए, हम आपका कंसर्न को देखेंगे। तो सर, हम अपनी तैयारी में जुट गए थे और कल नोटिफिकेशन जो आती है हमें काफ़ी निराश करती है, उसमें एज 18 से 28 तक रखी गई है, तो हमें अभी पता ही नहीं चला कि अभी हम करें क्या, तो हम निराश होकर राणा साहब के घर आ गए। लेकिन एक चीज़ की आवाज़ आपके द्वारा उठाई जा रही है ना कि 18 ईयर वाला जो एस्पिरेंट है या जो फॉर्म भरेगा वो ग्रेजुएट होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं? आपको नहीं लगता कि 18 ईयर वाला जो एक कोई स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट हो सकता है? सर, ये तो सबको पता है कि 18 एज का कोई ग्रेजुएट हो सकता है या नहीं, लेकिन जिन्होंने इनको एडवर्टाइज, जिन्होंने इनको नोटिफाई किया है, ये शायद वही बता सकते हैं कि 18 साल का ग्रेजुएट जम्मू में होता है या नहीं होता है। गौरव है हमारे साथ। गौरव, क्या कहेंगे, एडवर्टीजमेंट आ गई और नेक्स्ट मंथ की जो 10 है पूरा प्रोसेस जो है वो फॉर्म का शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का, तो मायूसी हाथ लगी है? हाँ, इसमें तो हम पहले ही डिसपॉइंट फील कर रहे थे जब ये रूल बने थे आज से 3 महीने पहले, लेकिन उसके बाद हमने जो जहाँ की मेन पार्टीज़ उनके बड़े बड़े चाहे वो लीडर रहे हों, चाहे उनके कुछ ऑफिसर्स भी अगर हम कहें, तो उनसे भी हमने अप्रोच करने की कोशिश की कि हमें एलजी साहब के साथ किसी तरीके से हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स की जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस दौरान हम दविंदर राणा जी से भी मिले थे जब ये एनसी में थे, तो अब आज हम इनके पास इसलिए आए कि सभी जानते हैं कि अब दविंदर राणा जी क्या महत्व रखते हैं और इनका हाथ कहाँ तक है, तो उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने पहले भी हमारी प्रॉब्लम को ध्यान से सुना था और आज भी वो कह रहे हैं कि यूथ परेशान है, लेकिन वो हमारे लिए करेंगे। देखते हैं, हम उनकी तरफ से तो एलजी के साथ बात करने की बात हमें कही गई है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या। मेमोरेंडम आपने दिया है, आपने बताया कि मेरे को अश्योर किया गया, हालांकि ग्राउंड्स क्या रखी हैं उसमें, पॉइंट्स क्या रखे हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जानना कि अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जेकेएस का एग्ज़ाम होता है उसमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी गई थी, जिसका एग्ज़ाम अब संडे को होने जा रहा है, तो वाई नॉट इन जेकेपीएसआई, तो किस तरह की आपने जो ग्राउंड है वो रखी है? देखो, ग्राउंड सर हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता, सीएमआई की रिपोर्ट जो अभी आई है 21%, इंडिया से 15% के करीब लगभग ज़्यादा है वो। और दूसरा ग्राउंड सर हमने ये रखा कि डोमिसाइल एक हमारा होता था जो आपने ख़त्म कर दिया, जो 2024 में ऑटोमेटिकली ख़त्म होना था, उसके बेसिस पर भी सर इस सब के साथ आज हम अगर किसी एक शख्स को मिक्स कर रहे हैं तो वो हैं सत्यपाल मलिक। शायद अगर वो होते तो इस टाइम हमें बिना प्रोटेस्ट किए ही हमें एज रिलैक्सेशन मिल गई होती, क्योंकि जेके बैंक में उन्होंने 7 साल का एज रिलैक्सेशन दिया वन टाइम इन हिस्ट्री, हमने मांगा भी नहीं था, ना सिर्फ रिलैक्सेशन ही नहीं मिला, परसेंटेज बार को भी उन्होंने 55% से 50% किया। उसके पीछे रीज़न उनको ये महसूस हुआ, उन्होंने कहा भी कि जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ वैल्यूबल जो हमने ग्राउंड रखे हैं अपने मेमोरेंडम में जो एलजी साहब को पोस्ट किया है, इन ग्राउंड्स के बेसिस पर हम उनसे एज रिलैक्सेशन एलजी साहब से मिलने की कोशिश की। सर, कोशिश तो हम लगातार 3 महीने से कर रहे हैं,
बड़े बड़े जो उनके ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमारे मेमोरेंडम फॉरवर्ड भी किए हैं आगे, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से भी निराशा हाथ ही लगी है। तो ये JKP SI के एस्पिरेंट्स हैं और एज रिलैक्सेशन की ये जो है वो डिमांड कर रहे हैं। एक बार मैं इनसे जानना चाहूँगा कितनी एज रिलैक्सेशन की आपके द्वारा जो है लास्ट डिमांड की गई है। देखो सर, हमने जो मेमोरेंडम LG साहब को भेजा उसमें हमने बोला है कि सर 20 तक तो कोई ग्रेजुएट होता नहीं, आप इसको 21 से 35 कर दीजिए और जिसमें सर दम होगा वो ग्राउंड क्लियर करेगा और एग्जाम क्रैक करके तो आएगा आगे। जी बिल्कुल, एग्जाम क्रैक जो करेगा वही आगे जो है जा पाएगा। और इनके द्वारा ये डिमांड की जा रही है कि वन टाइम एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन जो है हमें दी जाए, क्योंकि जो लास्ट एक लंबा गैप रहा है और वो गैप को कवर अप करने के लिए हमें कॉम्पनसेट किया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अबरोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।